हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं भी आया हूँ बस्तर छत्तीसगढ़। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे जगह पे जा रहा हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है, बहुत नेचुरल प्लेस है। इस जगह पे वीडियो बनाने के लिए मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रहा था, सोच रहा था, और जनरली मैं आपको बता दूँ, ये प्लेस बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ पे एक बहुत पॉपुलर सा कैलाश गुफा है जहाँ पे शिवलिंग है। यहाँ के लोगों का आस्था जुड़ा है, काफ़ी सालों से शिवलिंग का पूजा किया जाता है दोस्तों। और साथ ही खैर, फिलहाल तो आज मैं कैलाश गुफा नहीं जा रहा हूँ, मैं कैलाश धारा जा रहा हूँ जो कैलाश गुफा से कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ से कैलाश गुफा जाया जाता है, ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, और ये बोर्ड टंगा है कैलाश गुफा से रिलेटेड। चारों तरफ देख सकते हो एक घना जंगल है चारों तरफ, वो मेरे पीछे गाड़ी खड़ी है, और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ बहुत घना जंगल है। दोस्तों, यहाँ की बात करें, कैलाश धारा जगदलपुर से 40 से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जो बहुत कम लोगों को पता है। दोस्तों, YouTube पे पहली बार पहला वीडियो होगा, पहला व्लॉग होगा जिसमें कैलाश धारा के बारे में आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ जाने के रास्ता आप जगदलपुर से कैसे आ सकते हैं, फ्रेंड कैसा लगा आपको ये एक्सपीरियंस, आप बताएंगे किस रीजन से गाड़ी आगे नहीं चढ़ पाया? चिकनी मिट्टी होने के कारण से यहाँ पे हम लोग जंगल के बहुत अंदर घुस गए, जैसा आप देख रहे हो, और इससे पहले भी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और इसको आराम से इजी चढ़ा लेता है कार, बट आज टायर के अंदर में देखो पूरा लाल मिट्टी फंसने की वजह से हमारे जूते में जैसे फंसे हैं, गाड़ी को ग्रिपिंग नहीं मिल रहा है, इसके वजह से नहीं जा रहा है। और चल भी जाता है देखो, यहाँ पर स्लीपी है पूरा, और फॉरेस्ट विभाग के काम चलने के कारण से हाल ही में यहाँ पर मिट्टी डाला गया है, और फिलहाल पर्यटकों के लिए जगह नहीं खुला है। हम YouTube चैनल के माध्यम से आपको दिखाते हैं नए नए जगह को, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप जब तक वन विभाग से आपका परमिशन न मिले, प्रॉपर गाइड के साथ आइए। और जब हम यहाँ पर आए हैं, आगे मिलकुलवाड़ा एक गांव है, वहाँ के कुछ लोकल लड़कों के साथ में हम यहाँ पर आए हुए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। आ तो गए हैं लेकिन बारिश होने के कारण से टायर स्लीपी हो गए, पता नहीं अब आगे हम जा पाएंगे कि नहीं। क्या है कि गाड़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ के टायर्स के चलते जो टायर क्या है आगे चढ़ नहीं पाया, गाड़ी चढ़ नहीं पाया, यहाँ का रास्ता बहुत सकरा होने के चलते यहाँ से हम अभी पैदल जाएंगे। दोस्तों, कैलाश धारा तक पहुँचने के लिए आज मैं मेरे निवास स्थल जगदलपुर से सुबह 10 बजे निकला। रास्ते में मुझे लामनी पार्क, नियानार, नानगुर से होते हुए नेतानार पहुँचा। नेतानार से 6 किलोमीटर अंदर की ओर कैलाश गुफा है जहाँ प्रसिद्ध शिव जी की मूर्ति है एवं वादक यंत्र है। कैलाश गुफा से 2 किलोमीटर आगे कैलाश धारा है। दोस्तों, ध्यान रहे कि आप अपने साथ खाने पीने का सामान साथ लेके आए, क्योंकि नानगुर के बाद आपको 16 किलोमीटर तक रेस्टोरेंट या होटल नहीं मिलेगा। कैलाश धारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, जो कि लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, विशाल पेड़ और वन्य जीवन की विभिन्न प्रजातियों के लिए यह अनुकूल जगह है। यहाँ की लोकप्रिय प्रजाति जो अपनी मानव आवाज के साथ सभी को मंत्रमुग्ध करती है, वह बस्तर मैना है। कैलाश धारा के नजदीकी पर्यटक स्थल की बात करें तो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पर भैंसा धरा है जहाँ पर मगरमच्छ संरक्षण स्थल है। कुटुम्बसर गुफा जो कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में बहुत मशहूर है, यहाँ पे अन्य वन्य जीव, बाघ, बंदर आदि देखने को मिलेंगे। इसका क्या नाम है, इसका तोड़ी बोलते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वादक यंत्र है जिसे तोड़ी के नाम पे जानते हैं लोग। इसका साउंड बहुत प्यारा, मैं इसको बजा के देखूं, बजा के देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, शायद अच्छे से आ पाए। किस एंगल से? ऐसे 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 ऐसे। खैर, मेरी साउंड तो बहुत गंदा है। दोस्तों, एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे
आप देख रहे होंगे बस्तर का पेय पदार्थ, एक लांदा होता है, दूसरा होता है मंडिया पेज। मंडिया से बना हुआ है ये मंडिया पेज है, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा है। थोड़ा सा पी लूं मैं? पी लो ना। हल्का सा पी के देखता हूँ। ये लग रहा है थोड़ा सा बासी वाला, कितने दिन का था? बासी वाला है, कल का होगा ना। ये कल का है जो बहुत टेस्टी है और ना इसको पीने के बाद बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है हल्का फुल्का मुझे नशा चढ़ रहा है। थैंक यू दादा, इसको लो आप। बस्तर में यहाँ के आदिवासी समाज पहले खान पान पर पूरी तरह से जंगलों पर ही निर्भर थे। अब भी बहुत से खाद्य पदार्थ जंगलों से ही प्राप्त होते हैं। जब बात सब्जी की हो तो यहाँ के आदिवासी जंगलों से मिलने वाली सब्जियों को पहले प्राथमिकता देते हैं। यहाँ के जंगलों से मिलने वाला एक ऐसा ही पौधा है, बस्तर में बांस के इन कोपलों को बड़े चाव से खाया जाता है। इन कोपलों को पास्ता या करील कहा जाता है। पास्ता में साइटोजेनिक ग्लूकोसाइड एम्बेजिनिक अम्ल होता है जो कफ निसारक होता है। दोस्तों ये प्लेस है जगदलपुर से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत बड़ा आकार में फैला हुआ घना जंगल है। यहाँ पर बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान के वन्य प्राणी पाए जाते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं बरसात के कारण यहाँ का पानी मटमैला के हो चुका है, अदरवाइज ठंड के दिनों में यहाँ का बहता हुआ पानी बहुत ही साफ रहता है। यहाँ का पानी इतना साफ रहता है कि आप पानी में तैरती हुई मछलियों को भी देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इन बहता हुआ लेक में कैटफिश पाया जाता है, जिसे यहाँ के लोकल लैंग्वेज में मोंगरी मछली कहा जाता है। दोस्तों आप सभी को एक और जानकारी दे दूं, यहाँ पर भारत के सबसे खतरनाक सांपों में से एक किंग कोबरा पाया जाता है, जिसे यहाँ के लोकल्स गिरिपोड़िया के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ का वेदर 12 महीना सबसे खूबसूरत रहता है। आप यहाँ फैमिली के साथ पिकनिक मनाने आ सकते हैं, ठंड के दिनों में तो वेदर सबसे अच्छा रहता है। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर कोरोना के चलते गवर्नमेंट ने यहाँ पर्यटन स्थल बंद रखा है। मैं और मेरी टीम यहाँ यूट्यूब के पर्पस से यहाँ के एक लोकल गाइड के साथ यहाँ आए हैं। छत्तीसगढ़ के पहचान की बात हो और बस्तर का नाम ना लिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस्तर वैसे तो बस्तर को जानने वालों के लिए इसका नाम ही काफी है। पहाड़ों, जंगलों, झरनों और नदियों से घिरा ये इलाका अपने आंचल में कई राज समेटे हुआ है। यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, आदिवासियों का रहन सहन अपने आप में अनूठा है। लेकिन जो लोग बस्तर को नहीं जानते उन्हें यहाँ सिर्फ लाल आतंक यानी नक्सलियों का साया ही नजर आता है। प्रकृति के असली सौंदर्य को रोम रोम में समेटे बस्तर में जंगलों के बीच इतने झरने हैं जहाँ आज भी सैलानी पहुँच नहीं पाए। यहाँ पहाड़, जल और जंगल का ऐसा अनूठा संगम है जहाँ हर प्रकृति प्रेमी खुद को पहुँचने से रोक नहीं पाता। दोस्तों इस ब्यूटीफुल एडवेंचर के बाद अभी हम जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। आप देख सकते हो मेरा हाल, पूरा पसीने से लथपथ हो गया हूँ मेरा। दोस्तों अगर आप इस नेचुरल प्लेस में आना चाहते हैं, आप इस जगह पे घूमना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे अपना नंबर दे दूंगा और यहाँ के बारे में लगभग सभी चीज़ें मुझे मालूम है। लाइक यहाँ के रूट्स हो गए, यहाँ के जंगली जानवर हो गए, लाइक यहाँ के फॉरेस्ट एरिया। अभी लॉकडाउन के चलते ये एरिया पूरा बंद है। अभी देख रहे होंगे यहाँ पे एक भी कोई ऐसा पर्सन नहीं दिख रहा है। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दे, अगर इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे एक नए एडवेंचर प्लेस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।